तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्या सपोर्ट में, और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं आय, जाति और मूल्यवास के विषय में। तो हम आपको बताएंगे आय, जाति या मूल्यवास, कोई भी आप अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं खुद से, तो बिना किसी जनसेवा केंद्र, CSC सेंटर या अन्य किसी फ्रेंचाइजी के, आप अपना जो है मूल निवास, आय निवास, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं बिना किसी CSC या बिना किसी जनसेवा केंद्र के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कैसे बना सकते हैं आप। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना होगा और गूगल में आपको सर्च करना होगा सिटीजन सर्विस। जब आप सिटीजन सर्विस इस प्रकार से सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी सिटीजन, और वेबसाइट में लिखा होगा नीचे थोड़ा सा, इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक ई डिस्क की सेवाओं के लिए आवेदन अपने पंजीकृत अकाउंट के। बाकी इसको जब आप क्लिक कर लेंगे तो पूरा पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसके लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, इसके लिए भी एक आईडी जो है दोस्तों आपको बनानी पड़ती है, या एक आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है जिस पर आप, जिससे आप आईडी पासवर्ड से इसको यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से इसको बना पाएंगे। तो सबसे ऊपर आ रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, जब इस पर हम क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से दोस्तों एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और उस पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन आईडी। जैसा कि आप जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ जीमेल एक आईडी बनानी होती है, तो इस प्रकार से इसमें भी एक लॉगिन आईडी आपको डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देता हूँ rishabh@1234। अब देखता हूँ ये उपलब्ध है या नहीं। तो दोस्तों, नंबर तो यहाँ पर अलाउ नहीं है, केवल आप लेटर्स लेटर्स ही यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं जब ऋषभ लेटर ऋषभ लिख रहा हूँ आईडी में, तो यहाँ पर उपलब्धता की जांच करने पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिख क्या रहा है, इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। तो अब मैं यहाँ पर कुछ आईडी ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद यहाँ पर जो है लॉगिन आईडी में मैंने ऋषिबा अपना जो है लॉगिन आईडी बना लिया, और फिर यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में आवेदक का नाम दर्ज करें और आवेदक जन्मतिथि आवेदक की दर्ज करें। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसा कि नाम और यहाँ पर जन्मतिथि के बाद आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है, तो मैं तो पुरुष हूँ, आप बाकी अपना देख लीजिए। और यहाँ पर जन्मतिथि मैंने सेलेक्ट कर ली है, और फिर आपको अपना आवासीय पता डालना है, पिन कोड डालना है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पता, आवासीय पता, और यहाँ पर जिला और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल रहेगी, आपको चाहें अगर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई, अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो आइए फिर सुरक्षित करें पर, देखिए सुरक्षित करने के बाद जो है यहाँ पर आ गया पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, OTP अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, और OTP देखिए मेरे पास आ भी चुका है। तो अब हम यहाँ पर चले जाते हैं मुख्य पृष्ठ पर। यहाँ पर जब मैं क्लिक कर देता हूँ मुख्य पृष्ठ पर, अब यहाँ पर यूज़र नेम डाल देते हैं हम। तो यूज़र नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और OTP मैं डाल देता हूँ जो भी आया है, OTP भी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा भी फिल कर देता हूँ। सारी जानकारी फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट जब आप कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा आपको जब नया पासवर्ड है, फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो OTP नंबर पर आपको आया था वो फिर से सबमिट करना होगा, और फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना होगा, नया पासवर्ड, पासवर्ड दोबारा डालें। तो मैं वो कर देता हूँ। जब पासवर्ड चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ पर आप वापस पे क्लिक कर दीजिएगा, और दोबारा से अब आपको लॉगिन करना होगा, तभी आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। सारी जानकारी फिल करने के बाद जब सबमिट आप कर देंगे तो इस प्रकार से आपको जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं आवेदन भरें पर, और यहाँ पर जो भी आप आय, जाति, मूल निवास,
प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पहले आवेदन के लिए देखिए आ रहा है आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें। तो इस प्रकार से आपको पहले इसमें चार्ज फीस होती है इसकी लगभग 9 रुपये, वो आपको पे करनी होगी। इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो आपको भरना होगा, सारी जानकारी फिल कर दीजिएगा दोस्तों, और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं खुद से, और 7 दिन में ये आ भी जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज़रूरी जानकारी है। और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यही ज़रूरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।